दोस्तों मेरे पास एक डायबिटीज़ के पेशेंट सामने बैठी हैं, उनको पैर में दर्द हो रहा और भी कुछ तकलीफ़ हो रही है, तो मैं आपको बताऊंगा कि पैर में दर्द क्यों होता है, उसका कारण क्या होता है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो बहन जी बताइए क्या तकलीफ हो रही है आपको, कहाँ बताइए क्या है दर्द हो रहा आपको? यहाँ दर्द हो रही है, उंगली में दर्द हो रही है, और कहाँ दर्द हो रहा है? ये पिंडली में दर्द हो रही है, और क्या तकलीफ है दर्द कहाँ और? तो एक टांग में, दोनों टांग में? दोनों की पिन्नी दर्द करती है। ये दिन को या रात को ज़्यादा कब होती है? रात को ज़्यादा होती है। रात ज़्यादा, सोने के बाद सोने में कि जो आप सो के सो उठती हैं जैसे जलन सी हो रही हो? जलन हो रही है, ऐसे ऐसे करती रहती हूं। हाँ ठीक है। और पाँव में जलन का कुछ ऐसा भी लगता है, चीटी चल रही है, ऐसा लगता है चीटी चल रही है? अच्छा चीटी चलती हैं। और कुछ सुनपन भी होता है? सुनपन नहीं, ये ठंडा गर्म फील होना, ठंडा गर्म फील होता है, ऐसा ठंडा गर्म हो रहा। तो देखिए जब भी पाँव के अंदर जलन हो, चीटी चढ़े, या ऐसा लग हवा लग रही इसमें, ठंडा ठंडा लग रहा, या गर्म गर्म लग रहा, या चलने पर ऐसा लगता रूई पर चल रहे हैं, ऐसा लगता है कभी? क्या लगता है? भाई बहन मिलता है, जो चलने से दर्द बढ़ता घटता है आपका? चलने में दर्द नहीं होता है, चलने में दर्द नहीं होता है। और अभी बैठी है तो दर्द हो रहा है? अब कम हो गया, पहले बाहर हो रहा था। हाँ तो जो आपको आपको दो समस्या देखिए, जो पाँव के अंदर दर्द हो रहा है, ये सब दर्द हो रहा है, ये पाँव का दर्द हो रहा है, आपको शुगर का सर नसमा रखा है। अच्छा। जिसकी वजह से आपको ये दर्द हो रहा जो रात को ज़्यादा होता है। जो पिंडली में दर्द हो रहा ये दूसरी बीमारी होती है। जब भी पिंडली में दर्द होता है या तो पाँव के अंदर ब्लड फ्लो कम हो रहा, जो पिंडली दर्द चलने से बढ़ता है घटता है? चलने तो मुझे कोई दिक्कत होती नहीं है। तो दर्द कब, पिंडली दर्द कब होता है ज़्यादा? पिंडली जब जैसे थोड़ा सा काम करके उठती हूँ या खड़े होकर बर्तन वगैरह मारती हूँ तब। हाँ तो पिंडली दर्द या तो पाँव में ब्लड फ्लो कम से होता है या आपके मसल टाइट हो गई हैं उससे होता है, या कभी कभी हाई ब्लड शुगर होने से। आपका ब्लड शुगर कितना है? तो मैं दो दिन दवाई से निकाली ना, 293। उससे पहले शुगर ठीक था आपका? तो शुगर ठीक था, क्योंकि हाई ब्लड शुगर होने से क्या होता है कि बॉडी में पोटेशियम कमी से भी पाँव दर्द होने लगता है, या और कारण होते हैं, विटामिन डी कमी, B12 कमी, हाँ वो कमी, वो भी कारण होते हैं। पर सबसे मेन कारण होता है यहाँ पाँव दर्द का टाइट काफ मसल, सबसे मेन ये होता है। इसमें क्या होता है कि हम सब लोग क्या करते हैं, जब भी चलते हैं तो हम पाँव को ऐसे मूव करते हैं, चलने में पाँव को ऐसे करते हैं, नीचे तरफ मूव करते हैं, पर हम पाँव को ऊपर नहीं करते हैं। तो बार बार ये मसल जो है पाँव को ऐसे करने के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट करती है, ये ऐसे करने में इसको ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो ये टाइट हो जाती है। इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसे बोलते काफ स्ट्रेच एक्सरसाइज, वो करना पड़ता है। अब आप बताएंगे कैसे करना, अभी बताएंगे आपको। और उससे पहले मैं आपके पाँव का ब्लड फ्लो देख लेता हूँ, खून दौरान कैसा है, और उसके बाद बताऊँगा आपके पाँव का काफ स्ट्रेच एक्सरसाइज कैसे करना है। तो अगर आप रेगुलर 10 बार सुबह 10 शाम काफ स्ट्रेच एक्सरसाइज करेंगी तो आपको पाँव दर्द, ये दर्द ठीक हो जाएगा। और ये तलवे दर्द हो रहा, जो पैर दर्द हो रहा है, इसके लिए दवा लिखूँगा जो नर्स को ठीक करेगा। नर्स ठीक कर, कई दवा आती हैं जैसे प्रीगाबालिन, गाबापेंटिन, मेथिकोबालामिन, एमीट्रिप्टिलिन, क्लोइम्प्रामिन, वेनलाफ्लेक्सिन, कई दवा आती हैं, और लग के खाएँगे आप तो विद इन 15 डेज के अंदर ये पाँव का दर्द सब ठीक हो जाएगा आपका। पाँव जलन, सुई चुभना, भारी भारी लगना, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन परमानेंट ठीक करने के लिए लग के एक साल इलाज करना पड़ेगा। तो अभी हम आपको पाँव का ब्लड चेक करते, फिर बात करते हैं आपको, ठीक है? अब इनका मैं पाँव के अंदर ब्लड फ्लो देख रहा हूँ, कैसे कि ब्लड फ्लो कैसा हो रहा है। तो इसके लिए ब्लड फ्लो चेक करने के लिए यहाँ ब्लड फ्लो ठीक है इसमें, चेहरा मत लाना, ठीक है? ऊपर कर जरा, बस बस बस, आप दोनों पाँव खून दौरान ठीक है आपका? हाँ ठीक है।
इसके बाद क्या है कि अगर खून दौरान ठीक है, समझ के आपको जो पाँव के अंदर जो ब्लड फ्लो नॉर्मल है, जो पाँव दर्द हो रहा है, शुगर का सर नसम आ गया है, उसके साथ विटामिन डी बी12 कम आपका, ठीक है। अब दूसरा एक्सरसाइज सिखाएंगे आपको पाँव का, जो कि टाइट उसको ठीक करने के लिए। इसके क्या करेंगे, आप लोग दुपट्टा दीजिए, इसको पकड़िए, कोई ऐसा कपड़ा ले करके आप इस पाँव को ऐसे पकड़िए, ये लीजिए, ऐसे पकड़ लीजिए, इसको खींचिए, यहाँ पकड़ खींचे, और किसी और से बोले इसको ऐसे धक्का मार, और बहुत टाइट आपका ये, देखो क्या होता है, ऊपर ऊपर अपने ऊपर ले जाओ, छोड़ो, ये पाँव ऊपर जाना चाहिए, ऊपर ले जाओ, ऊपर, अरे बाप रे, ऊपर नहीं जा रही है, अब बहुत टाइट है, पता है ये पाँव, देखो मैं दिखाता, देखो हाँ, अब चलो ऊपर करो, ऐसे करो, ऐसे ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर ले जाओ, और ले जाओ, तो बहुत टाइट, देखो नॉर्मली पाँव क्या होना, देखो इतना आना चाहिए, देखो इतना है, 90 से ऊपर जाना चाहिए, हाँ, अब पकड़ो पकड़ो, ये लो पकड़ो, बहुत टाइट मैं जी, अब बहुत टाइट है ये पूरा पाँव यहाँ आना चाहिए, आप टाइट है, बहुत टाइट, आप अभी तो खींचो, पाँव में तो खींचो अपनी तरफ, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं बहन वो अलग, ये अलग चाहिए, अलग चाहिए, ये देखो, ये देखो, ये यहाँ यहाँ ऐसे 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 ऊपर इसे मिला करो, ऐसे 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 ले, और ले, और ले, और ये ऐसे, ये करो, इसको अपनी पंजे तरफ खींचो, अपनी तरफ नहीं, अब इसको पंजे अपनी तरफ, इस पंजे अपनी तरफ, उधर यार उधर अपनी तरफ खींचो, अपनी तरफ ऐसे, ये पकड़ो, हाँ, इसको एक हाथ से खून इस यहाँ से यहाँ पकड़ के, इस हाथ से यहाँ खींचो, इस हाथ से ऐसे, बहुत टाइट, बहुत कोई जरूरत नहीं, बहुत टाइट आपका, बहुत टाइट है आपको, मसल टाइट की वजह से दर्द हो रहा आपको ये। अच्छा, नॉर्मली क्या, देखो ये हम देखो अपने दिखाओ, मैं देखो ये क्या होता है, अपने दुपट्टा दो, देखो नॉर्मली ऐसे करके, देखो ये इतना आना चाहिए, देखो ये कम से कम ये 90 ऊपर इतना जाना चाहिए था ये। तो पहला एक्सरसाइज होगा आपको कि कम से कम दिन में दो बार दुपट्टा पकड़ के पकड़ो, तो 10 बार ऐसे एक हाथ से इसको इधर खींचा, इसको ऐसे किया, 10-8 ने रोका, फिर छोड़ दिया आपने, हाँ खींचो अभी खींचो, हाँ फिर ऐसे, ठीक है समझ गए, तो 10 बार आपको पाँव को खींचना है, आपने यहाँ पे खींचा, कोई दूसरा धक्का मारेगा, घर में कोई नहीं है, घर में कोई होगा ना, उसे बोलना कि इसको इधर खींचेंगे, ये ऐसे खींचेंगे ऐसे, इसे बोलते काफ स्ट्रेच एक्सरसाइज, ठीक है। एक और एक्सरसाइज सीखो, खड़े जाओ, खड़े हो, दूसरा एक्सरसाइज होगा, देखिए कोई चीज ऐसे खड़े होकर के किसी सीढ़ी पर, देखो और फिर ऐसे करके इसको ऐसे ऐसे, मतलब कि एक पाँव मुड़ जाएगा, ये सीधा रहे, ऐसे इसको नीचे दबाना है, 8 सेकंड रोकना है, फिर वापस आ जाना है, अब दूसरे पाँव को ऐसे करना है, ठीक है। अब रुके आप सिखाएंगे, थर्ड एक्सरसाइज सीखिए, किसी ऊपर पाँव रख के इस पाँव को ऐसे अपने तो खींचना है, 8 सेकंड रोकना है, फिर छोड़ देना है, खड़े होके, हाँ खड़े होके किसी ऊँचे पैर रख के फिर ऐसे खींचना है, तो इस पाँव को पंजों को इधर खींचना है, इससे यहाँ खिंचाव आएगा, है ना, समझ गए, क्लियर है। चौथा एक्सरसाइज आएगा, जो लोग यंग हैं जिसको पीठ की कोई समस्या नहीं है, आपको पीठ की कोई समस्या नहीं है, तो जो कमर दर्द उनको मना है, ये एक्सरसाइज जो जिसको कमर दर्द उनको मना है, इसमें क्या होता है, आप ऐसे खड़े होकर, ऐसे खड़े होकर के, और आप इसको ऐसे जमीन को टच करना है, ऐसे आपको ये ऐसे टच करना है, जब ये टच करोगे तो स्ट्रेच आएगा यहाँ पर, ध्यान रखो आगे झुकना वाली एक्सरसाइज जिसको कमर दर्द को मना होता है, तो जब ये रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो आपका ये मसल रिलैक्स हो जाएगा और दर्द कम होगा, कुछ दिन ठीक हो जाएगा, परमानेंट किसी से होगा, आपके मसल बहुत टाइट हैं, समझ गए, तो इसे बोल टाइट बहन के हाथ, हाँ यहाँ पर ऐसे करके, हाँ ऐसे करके इसको, फिर आपने देखा कि जो यहाँ दर्द पिंडली में दर्द का सबसे मेन कारण होता है इस मसल का टाइट होना, आप छू के देखोगे ना इसमें, तो ये देखो टाइट है, देखो है ना, आप मेरा छू देखो, मेरा छू, मेरा छू, तुम बुलाया मेरे, किस टाइम पॉलिप हो जाते हैं जी, हैं किस टाइम गर्म हो जाते हैं, हाँ तो इसे खूब एक्सरसाइज करना, ये वाला एक्सरसाइज है, ऐसे करके जितना करोगी उतना आराम मिलेगा, ऐसे खींचा,
ऐसे? हाँ अपनी तरफ खींच के, हाँ दुपट्टा पकड़ खींचो ऐसे करके जितने बार, फिर छोड़ दिया, फिर खींच लिया, जब भी टाइम मिले। इससे क्या मसल ये रिलैक्स हो जाएगी, पैर का दर्द ठीक हो जाएगा। इसे बोलते टाइट काफ, और उसके लिए एक्सरसाइज बोलते काफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, काफ को खिंचाव करना, ठीक है। प्लस जो ये पांव दर्द है वो शुगर का नुस्खा रखा है, उसके दवा लिखूंगा जिसे विद इन 15 दिन में दर्द आराम आएगा आपको, और करीब 1 साल के अंदर जड़ से ठीक होगा। उसके उसके लिए जो दवा बताई थी ना, कोई नर्स के लिए दवा लिख बोली थी, प्रिगाबलिन, गाबापेंटिन, मेथिकोबालामिन, वेलनाफ्लेक्सिन, एमिट्रिप्टिन, क्लोइंप्रामिन, बेनफोटियामिन, पैनलिस्ट नाम कई दवा आती हैं। उसके साथ साथ शुगर कंट्रोल रखना पड़ेगा आपको, प्लस हेल्दी डाइट लेना पड़ेगा आपको, प्लस आप इन सब दर्द आराम के लिए दूध भी लीजिए अपना प्रॉपर, जो आपको उम्र हो चुका, आप कैल्शियम विटामिन डी साथ में लेना पड़ेगा आपको, जिससे हमेशा दर्द ठीक हो जाएगा। तो समझ गए? और जान लीजिए, जब भी पाँव में सुनपन आता है, जलन आता है, इसका मतलब शुगर से नुस्म आ गया है। ऐसे पाँव को विशेष ख्याल रखना पड़ता है कि पाँव में कभी घाव ना हो, कभी कट छट जाए तो उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, हो गया, बंद कर दो, हो गया। अब रोजी मसाला थी ना, रोजी अच्छी है।